नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज का वीडियो हर उस साधक के लिए, हर उस भक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भक्ति और साधना के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और नित नए अनुभव जिन्हें हो रहे हैं। देखिए, जब हम भक्ति मार्ग पर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो इष्ट की कृपा के साथ साथ कई पारलौकिक शक्तियां हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। कई सारे बीइंग्स अर्थात सूक्ष्म योनियां होती हैं जो हमारी मंत्र जप की ऊर्जा से, हमारी साधना की ऊर्जा से हमारी तरफ आकर्षित होकर आ जाती हैं। और जो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा जो साधना से, निरंतर पूजा भक्ति मंत्रों से हमारे आसपास विद्यमान हो जाती है, ये बीइंग्स उसी की तरफ आकर्षित होकर आ जाती हैं, क्योंकि यही उनका भोजन होता है। हालांकि जो ये बीइंग्स होती हैं, योनियां होती हैं, इनमें अधिकतर योनियां सकारात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी हमारी तरफ आकर्षित हो सकती हैं। और इसमें अन्य सकारात्मक योनियां भी हो सकती हैं जो हमारी मंत्रों की ऊर्जा को ग्रहण कर सकती हैं या किसी भी प्रकार का व्यवधान हमारी भक्ति में, हमारी साधना में डालती हैं, जिसके फलस्वरूप अचानक ही पूजा से मन का उचाट हो जाना, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान किया है और उस अनुष्ठान की समाप्ति के बाद पूजा में मन ही ना लगना, ये बहुत सारे भक्तों के संग हो रहा है। या फिर पूजा के अनुभवों का बिल्कुल बंद हो जाना, नेगेटिव सोच पैदा होना, पूजा में, साधना में गलत दृश्य, गलत विचारों का पैदा होना। और जब ये स्थिति पैदा होती है तो बहुत ही कष्टदायक स्थिति होती है, विशेषकर जब साधना और भक्ति में अनुभव बंद हो जाएं तो ऐसा लगता है कि एक वीरान जंगल में हम रास्ता भटक गए हैं, कोई सहारा नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है जो हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता बता सके। तो इन्हीं सभी बाधाओं के लिए आज की वीडियो है और दो उपाय माँ की कृपा से आपको बता रही हूँ, जिनमें से हर उपाय अचूक है, अमूल्य है, 100% और मैं कहूँगी 200% प्रभावी है। इन उपायों को आप जरूर करें और बजाय इधर उधर भटकने के स्वयं ही इन उपायों को करें और अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से। और जो भी व्यक्ति माँ काली की भक्ति में है वो इन उपायों को कर बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है और इन उपायों को करने के बाद आपकी जो भी मंत्र जाप की ऊर्जा है वो सुरक्षित रहेगी। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूं, पहला, ये आपको प्रत्येक अमावस्या के दिन करना है और अमावस्या के दिन जब आप सुबह की पूजा संपूर्ण कर लेते हैं उसके बाद इस उपाय को आपको करना है। पूजा संपूर्ण करने के तुरंत बाद ये करना है, अत्यंत प्रभावी उपाय है, 100% आपको इसका रिजल्ट तुरंत ही मिलेगा और विशेषकर जिन लोगों की इष्ट माँ काली हैं उनके लिए उपाय बहुत प्रभावी है। इसमें आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र आपको लेना है, एक मिट्टी का सकोरा ले सकते हैं या छोटी हांडी मिट्टी की ले सकते हैं, साथ ही थोड़ी पीली सरसों और दो कपूर आपको लेने हैं। प्रत्येक अमावस्या की सुबह जब आप नित्य का पूजा पाठ अपना कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कपूर को प्रज्वलित करके उस हांडी में रखना है, उस मिट्टी के सकोरे में जो आपने जिसका प्रबंध किया है उसमें रख दें। इसके बाद पीली सरसों की 5 आहुति आपको इस जलते हुए कपूर में डालनी है और आहुति डालते समय आपको माँ काली से प्रार्थना करनी है और ये विशेष 3 वाक्य जो मैं आपको बता रही हूँ अक्षरशः ये 3 वाक्य आपको उस कपूर में पीली सरसों की आहुति डालते हुए बोलने हैं। तो क्या बोलना है उसको आप ध्यान से सुन लें और नोट कर लें। आपको बोलना है, हे माँ काली, आपकी कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर में प्रवेश न करे। हे माँ काली, आपकी कृपा से जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में हो उसका समूल नाश हो और हे माँ, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी सकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में प्रवेश ना करे। ये 3 वाक्य आपको बोलने हैं। तो इस प्रकार 5 आहुति आपको पीली सरसों की डालनी है और 5 बार इसी वाक्य को आपको दोहराना है, माँ से प्रार्थना करनी है। ये प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके बाद कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर में ऑलरेडी कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होगा और सकारात्मक ऊर्जा भी माँ की आज्ञा से ही घर में प्रवेश कर पाएगी। और ये सकारात्मक ऊर्जाएं वो ऊर्जाएं होंगी जो माँ काली की विभिन्न शक्तियाँ हैं या विभिन्न देव शक्तियाँ जो माँ काली से संबंधित हैं उनकी ऊर्जा ही आपके घर में प्रवेश कर पाएगी और इस प्रकार आपके मंत्र जप की जो ऊर्जा है वो सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये दूसरा उपाय भी बहुत बहुमूल्य है, आपको नित्य इसे करना है। जब भी ऐसा लगे कि घर में कोई नकारात्मक बाधा आ रही है, नकारात्मक शक्ति आ रही है, तो इसे आप नियमित कर लें।
इस उपाय को भी आपको सुबह की पूजा संपूर्ण करने के तुरंत बाद ही करना है। इसमें आपको क्या करना है कि एक पात्र में आप एक कपूर को रख लें, प्रज्वलित कर लें कपूर को, और उसमें दो लौंग रखकर जलाना है आपको कपूर को। अब इस कपूर और लौंग से माँ की आरती करनी है, जलते हुए कपूर और लौंग से माँ की आरती उतारनी है। इस मंत्र का 3 बार जप करते हुए 3 आरती माँ की करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस प्रकार मंत्र बोलते हुए 3 बार माँ की आरती करनी है। फिर इस कपूर और लौंग को घर के हर कमरे में आपको ले जाना है। इसका धुआं संपूर्ण घर में आपको देना है और साथ ही प्रार्थना क्या आपको करनी है, जो पिछले उपाय की प्रार्थना है वही प्रार्थना इस उपाय में भी आपको करनी है। आपको बोलना है कि हे माँ काली, कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे इस घर में प्रवेश ना करे। यदि कोई नकारात्मक शक्ति मेरे घर में है तो उसका समूल नाश हो और सकारात्मक शक्तियाँ भी आपकी आज्ञा से ही मेरे इस घर में प्रवेश करें। तो इस प्रकार माँ से प्रार्थना करते हुए इसके धुएँ को आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। इस उपाय को करने के बाद एनर्जी लेवल पे कोई भी ऑब्स्टकल, कोई भी व्यवधान यदि आपके आसपास है, आपके घर में है, तो उसका समूल नाश होगा और आपके मंत्र जप की ऊर्जा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो ये 2 उपाय हैं जो माँ की कृपा से मैंने आपको शेयर किए हैं। इन दोनों उपायों को करके बहुत सारी अनचाही बाधाओं से आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, बहुत सारे संकटों से अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सुबह और शाम नित्य नियमित माँ के नाम की ज्योत आपको जरूर जलानी है। माँ काली के मंत्रों का नियमित सुबह और शाम आपको जप करना है। जिस घर में माँ की ज्योत दोनों समय जलती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं टिकती नहीं हैं, और जो भी व्यक्ति दोनों समय माँ की ज्योत जलाता है, माँ के मंत्रों का जप करता है, यदि अनचाही ऊर्जा कोई उसके घर में प्रवेश कर भी गई है, तो ये जो 2 उपाय मैंने बताए हैं इनको श्रद्धापूर्वक करें, वो जो नकारात्मक बाधाएँ हैं वो हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। और नित्य माँ के कवच का पाठ आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत है तो दोनों समय कवच का पाठ करें। माँ के कवच बहुत सारे हैं और इनमें से कोई भी आप कवच का प्रयोग कर सकते हैं, सभी एक समान प्रभावी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कवच में कम किसी में ज़्यादा। और वैसे मैंने आपको बताया है कि जगन मंगल काली कवच का पाठ आप नित्य करें, वो इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो धन के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। सकारात्मक ऊर्जाएं तो आपके जीवन में प्रबल होंगे ही, इस कवच के पाठ से धन के रास्ते भी खुलेंगे, शरीर निरोगी होगा और संतान के कष्ट भी यदि कोई हैं तो वो समाप्त होंगे, घर में क्लेश है वो समाप्त होगा। और कई बार जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं बहुत तरीके से जीवन को प्रभावित करती हैं, और कैसे आप पता करेंगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे घर में अचानक बदबू का आना, शरीर सूखता जाना, यानी कोई बीमारी जो डॉक्टर्स नहीं पकड़ पा रहे हैं फिर भी शरीर का बीमार रहना जिसके कारण का पता नहीं चल रहा है, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का ही लक्षण है। कार्यक्षेत्र में बार बार बाधा आना, प्रगति के रास्ते रुकना, घर में हमेशा क्लेश तनाव कलह की स्थिति रखना, इन बहुत सारे तरीकों से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो इंसान को प्रभावित करती हैं। तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ के ये 2 उपाय आप जरूर करें और हर तरह से आप स्वयं को और अपने घर के सभी सदस्यों को सुरक्षित करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।